लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या फटीचर रेजर तुमने दे रखा है मुझको, शेव करने के बजाय मेरी खाल उधेड़ रहा है। किसने कहा आपको ये पुराना रेजर यूज करने का? यहाँ नया जो रखा हुआ है। क्षमा करना रानी, हमको पता ही नहीं था ना। आंखों में दवाई क्यों नहीं डाली? ये खुशबू कौन सी दवाई की है? डॉक्टर की बात मान लो तो क्या शाम तक पड़ जाएगा। वो जितना कहते हैं आंखों को आराम दो, तुम उतना ही उनसे काम लेते हो। आज से रात का काम बिल्कुल बंद। जल्दी बाहर आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। तो भाई साहब, आप सुबह कौन से डॉक्टर का नाम बता रहे थे? डॉक्टर वाइनगार्ड, यूरोप में आंखों का बेहतरीन सर्जन माना जाता है। वो आजकल यहीं पे आया हुआ है और बड़ी मुश्किल से तुम्हारे पति के लिए वक्त लिया है मैंने। यूरोप वालों से तो वक्त मिल गया, लेकिन ये हिंदुस्तान वाले बड़ी मुश्किल से वक्त देंगे, खासतौर से जब खुद अपनी सेहत का सवाल हो। हमारी पीठ के पीछे हमारी ही बुराई कर रही है। क्या भाई डॉक्टर, आज तो तुम खुद मरीज इश्क बने हुए हो। क्या मतलब? मतलब ये कि सुबह सुबह ये अपनी बीवी को साथ में लेके सैर तफरी हो रही है। देखा भाभी आपने, अच्छे दोस्तों की सोहबत का नतीजा, काफी सुधर गए हो। हम तो सुधर गए, लेकिन जरा आप भी सुधर जाइए जल्दी से। सॉरी मिश्रा भाई, मैं चला ऑफिस 9 बज गए। अरे ये भी कोई सलीका है, आज के दिन भी ऑफिस? भाई क्या तुम कोई पहली बार इस घर में आए हो? पुष्पा यहाँ पे है तुम्हारी खातिर तवाजो करने के लिए। भाभी कुछ ना कुछ खा के जाना होगा। देखिए मेरी बीवी ने कितना अंदा नाश्ता तैयार किया है। कटलेट है, सैंडविचेस है, मिठाई है, अंगूर है, और ये देखिए फूलों के हार भी हैं। बताइए डॉक्टर साहब, ये फूलों के हार किस लिए हैं? हाँ, घर तुम्हारा है, हार तुम्हारे हाथ में, और बताऊं मैं? जरा सोचो तो सही, ये रंगनाथन फूलों का गुलदस्ता लिए क्यों खड़ा? और आज ये हमारी भाभी इतना अच्छा लिबास क्यों पहने हुए हैं? और फिर हम दोनों सवेरे सवेरे यहाँ क्यों आन धमके हैं? ये हम तुमको बिल्कुल ही कोरा मटका समझते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं डॉक्टर, आज हमारी पुष्पा रानी का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे पुष्पा डार्लिंग, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुकलो मुकलो मुंह मीठा करो, आज हमारी शादी की सालगिरह है। रंगा। यस सर। इधर इधर इधर, कम हियर हियर। हजार दफा मैंने इस आदमी से कहा कि देखो दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन शादी का दिन मत भूलना, क्योंकि शादी का दिन ही इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होता है। और वही दिन भूल गया कम्बा। छोड़ो आगे देखो। ठीक है ना? क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं?
बोलिए ना, चुप क्यों है? ऐसे दौरे तो अक्सर पड़ते थे, फिर रोशनी आ जाती थी। नहीं भाभी, कैलाश अब कभी नहीं देख सकता। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहो। ये उसकी लापरवाहियों का नतीजा है। मेरी आंखें भी जरूरत, मुझे नाखून की जरूरत नहीं। मेरी आंखें भी जरूरत नहीं, मुझे नाखून की जरूरत नहीं। कैलाश भाभी, कैलाश भाभी, कैलाश भाभी, कैलाश भाभी, कैलाश भाभी, कैलाश भाभी। तुम भगवान का लाख लाख शुक्रिया। पुष्पा, तुमको तो हिम्मत से काम लेना होगा। मैं तो इस हालत में नहीं देख सकती, काश मुझे भगवान इस दुनिया से उठा ले। पुष्पा, अंधे को मझधार में छोड़कर चले जाना चाहती हो तुम? तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा पुष्पा, अपने पति के लिए जिंदा रहना पड़ेगा, अपने उस बच्चे के लिए जिंदा रहना पड़ेगा जिसकी तुम मां बनने वाली हो। हाँ भाभी, कैलाश ठीक कह रहा, मेडिकल टेस्ट बताते हैं कि तुम सचमुच मां बनने वाली हो। मैं मां बनूंगी। हाँ पुष्पा, यकीन मानो कोई नहीं कह सकेगा कि मैं अंधा हूं। अपनी आंखों से न सही, अपनी बीवी की आंखों से, अपने बच्चे की आंखों से इस दुनिया को देखूंगा। तुमको भी शिकायत रहती थी, काम के हजार झंझट थे, तुम्हारे पास रहने का वक्त नहीं मिलता था। अब वो शिकायत नहीं रहेगी, वक्त ही वक्त रहेगा अब तो। सब ठीक है ना? मुबारक हो कैलाश, तुम एक बेटा चाहते थे, भगवान ने तुम्हें एक साथ दो दो दे दिए। क्या क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा मतलब है कि पुष्पा इतने साल के इंतजार के बाद उसने एक साथ दो दो बच्चे पैदा कर लिए? शेक हैंड्स मिश्रा, वंडरफुल न्यूज, हुरे हुरे। अच्छा ही होगा, अब झगड़ा भी नहीं होगा। एक बच्चे को वो खिलाएगी, एक बच्चे को मैं खिलाया करूंगा। चलो मुझे उसके पास ले चले जाए। नहीं कैलाश, वो बेहोश है, परेशान होने की कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी। तुम मुझसे कोई बात छिपा रहे हो, मुझे ऐसा लगता है, मेरा दिल कहता है। कैलाश क्या बात है? प्लीज टेल मी, क्या बात है? प्लीज मिश्रा, क्या बात है? प्लीज टेल मी। कैलाश, तुम्हारा एक बेटा अंधा पैदा हुआ है। अंधा पैदा हुआ, भगवान की यही मर्जी थी कैलाश। भगवान ने क्या सारी दुनिया का अंधेरा मेरे घर की तकदीर में लिखा है? सब्र करने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं कैलाश। मैंने तो जिंदगी का हर रंग देखा है,
उभरते हुए सूरज की रोशनी देखी है मैंने, लहलाते हुए फूल देखे हैं, हरियाली देखी है, झरने देखे हैं, मुस्कुराते हुए बच्चों के मासूम चेहरे देखे हैं मैंने, और फिर भी मुझसे ये अंधेरा बर्दाश्त नहीं होता। मिश्रा, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे बचपन के दोस्त, भगवान के लिए मेरे बच्चे को इस मजबूत कैद से आजाद कर। क्या मतलब है तुम्हारे? मेरा मतलब कि पुष्पा को तो अभी होश नहीं आया, उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं वही कहना चाहता हूँ जो तुम समझ रहे हो। मैं चाहता हूँ कि एक मासूम बच्चे को तुम इस अंधी जिंदगी से हमेशा के लिए मुक्त कर दो। तुम चाहते हो कि मैं एक मासूम बच्चे का खून कर दूं? तुम्हें इसका भी एहसास नहीं कि वो तुम्हारी अपनी औलाद है, तुम्हारा अपना खून है? मैं ऐसा घिनौना जुर्म हरगिज नहीं कर सकता, कभी नहीं। अगर तुम कुछ नहीं करोगे मिश्रा, तो मैं अपने इन हाथों से बाप के कर्तव्य का पालन करूंगा। तुम जो चाहते हो जाएगा कैलाश, ये बच्चा तुम्हारी दुनिया से हमेशा के लिए निकल जाएगा। नन्ही सी जान को हमेशा के लिए माँ बाप के साये से हटा दिया है। पुष्पा को तो कुछ पता नहीं ना? नहीं, ये राज हम दोनों के दरमियान रहेगा, लेकिन आज के बाद उस बदनसीब बच्चे का जिक्र कभी नहीं होगा कैलाश। अच्छा हुआ मेरे मासूम बच्चे को जान लेवा अंधेरे से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। जिसे तुम बेटे की मुक्ति समझ रहे हो, कहीं वो तुम्हारे लिए श्राप न बन जाए। श्राप? जीवन भर का श्राप। मैं तो ये सोचकर शायद अपने आप को माफ भी कर दूं कि मैंने जो कुछ किया है दोस्त की खातिर किया है, लेकिन तुम अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाओगे। तुम इस मनहूस गुनाह को कभी नहीं भुला सकोगे। मैं जानता तुम्हारा यह गुनाह किस किस रूप में तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हें ललकारेगा, और तुम्हारी आत्मा को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। Thank you.
अरे महाराज, आपका दूध तो मैंने वहां रखा है। अरे अरे आइए आइए, वहां पे आइए महाराज। जयराम जी की मालिक। बड़ी देर कर दी भोलेनाथ। क्या बताए मालिक, सवेरे से संदर माँ की अर्धेरी में जुटे थे, अभी तक ये दूध भी नहीं पहुंचा पाए मंदिर में नाग देवता के लिए। हुक्का ताजा कर दिया था। अरे क्या मालिक, रात भरे में आधी बोतल गायब कर दी। चल चल बुद्धू, अलमारी में रख, दिखाई देता नहीं। तुझे कैसे मालूम बोतल आधी हो गई? शिव जी ने आग नहीं दी तो क्या हुआ मालिक, छू के छलका के देख लेते हैं। अब दो दिन तक इसी बोतल से काम चलाना होगा, फजूल खर्ची नहीं चलेगी। गर्म पानी लगा दिया है, कपड़े निकाले देते हैं, जल्दी से स्नान करने जाते। अब भला बताओ कौन कहेगा हमारे भोलेनाथ को दिखाई नहीं दे। आपके मन में गरीब लोगों के लिए दया है, तभी तो ना पैसा कह रहे हैं। अरे तेरे लिए तो सारे गांव के मन में ममता है भोलेनाथ। हाँ ये भी ठीक है, उन्हीं के मन में ना हुई जिन्होंने हमको जन्म दिया, आश्रम की चौखट पे छोड़ के चले गए। अरे उनको थोड़ा तो दुख होता होगा। हर रोज हर रात चैन से सो भी नहीं सकते। कुछ नहीं, कुछ नहीं पुष्पा। जरूर कुछ है, कोई दुख कोई बात जो तुम मुझसे भी छुपा रहे हो। बोलो कैलाश, बताओ ना, तुम्हें मेरी कसम, अपने बच्चे की कसम, बोलो बताओ ना। तुम्हारे नाम खत है। खत? मेरे नाम खत क्यों? वो गुनाह जिसका जबान इकरार न कर सकी वो इस खत में लिखा है। लो पढ़ लो। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा भी मेरी तरह जिंदगी भर अंधकार के नरकंठों पर खाए। कौन होती थी तुम? मैं बच्चे की माँ थी, मैंने उसे जन्म दिया, मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकती थी। तुम भी तो अंधे हो, तुम्हारी देखभाल कौन करता है? बच्चों मुझे, बच्चों मुझे, तुम्हारे ये हाथ मेरे बच्चे के खून से रंगे। हंगामा संजय, हर बार तुमसे कहा है कि तुम्हारी माँ बीमार है, उस बेचारी को सुकून और आराम की जरूरत है। इधर लाओ अगेन। मत खा इसके हाथ की कोई चीज, न इसके माई बाप का पता है, न जात बिरादरी की खबर। गड़बड़
श्याम सवेरे छाए घन घोर अंधेरे शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे जीवन पथ पर श्याम सवेरे जीवन पथ पर छाए घन घोर अंधेरे शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे अंतर्यामी मैं सेवक तू मेरा स्वामी काहे मुझसे नाता तोड़ा मन छोड़ा मंदिर भी छोड़ा कितनी दूर कितनी दूर लगाए तूने जाके लाश पे तेरे शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे तेरे द्वार पे जोत जगाते तेरे द्वार पे जोत जगाते युग बीते तेरे गुण गाते ना मांगू मैं हीरे मोती मांगू बस थोड़ी सी ज्योति खाली हाथ न जाऊंगा मैं खाली हाथ न जाऊंगा मैं दाता द्वार से तेरे शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे कब होंगे दर्शन तेरे कब होंगे दर्शन तेरे कब होंगे दर्शन तेरे
शिव 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 शिव, अभी तक सूखा ठसका पाले हो मुनीम काका? वो हमने इतनी मेहनत से अजवाइन और मुलठी की फंकी बना के दी थी, वो तो नहीं खाई होगी। अरे बेटे, फंकी में वो बात कहाँ जो भगवान के प्रसाद में है। पाव भर लड्डू के साथ एक गरम गिलास दूध का पिएंगे, ठसका जड़ से निकल जाएगा। ठसका जाए ना जाए, तुमने बात बात में हमारा थाल खूब खाली कर दिया काका। ये अच्छी वाह, भगवान भला करे हमारा थाल कौन भर गया। सब पहचानो तो जाने। पहचानते पहचानते हैं। अरे ये कोमल हाथ साल के साल हम पर राखी बांधते, हम इन्हें नहीं पहचानेंगे। ये तुम्हारी बिटिया है मुनीम काका, है कि नहीं? बोलो है। खूब है, बराबर है, बराबर है। जय हो, जय हो नागदेव महाराज। आ गए ना तुम टोहले ने, ये देखो आज एक और जेवर बिक्री हो रहा है। जी हाँ, जमाना बदल गया, ठाकुर के घर के तेवर नहीं बदले, वही अपना तूनी खर्चा है। हम भी फसल की कटाई में से 1500 रुपया मान लिया नागदेव जी। हाँ, यहाँ जमा कर रहे हैं, जरा ध्यान रखना, एक दिन यही पैसा ठाकुर के काम आएगा। अरे मंगलू आया। माँ जी, तारा कहाँ है? अरे कितनी बार बताए कि तारा बिटिया तड़के ही निकल गई नदी पे स्नान करे, और जाते जाते 20 रुपए भी ऐड ले गई। सुन लिया, 20 रुपए किस लिए? टट्टू खरीदने के वास्ते। टट्टू? हाँ हाँ, टट्टू। टट्टू पर बैठ के तारा बिटिया खानदान के नाम का झंडा फहराएंगी और घर वाले मुँह में उंगली डाल के तमाशा देखेंगे। कह देना अपने बाप से, यात्रा के बाद तारा की बात पक्की करके आऊंगी। हाँ, हे भगवान, जिस दिन तारा का ब्याह हो जाएगा समझूंगी सात गंगा नहा ली मैंने। अरे भोलेनाथ, ये चोरों की तरह पिछले दरवाजे से क्यों आ रहा? मालिक, इधर भवानी जो धरना दिए खड़ी है, देखते ही झूठ पड़ेंगे। इधर हम सुनार से 2500 रुपया पेश के लेके आए हैं, कम से कम आप लोग सामने होंगे तो तलाशी तो नहीं ले सकेंगे ना हमारी। अरे ओ माफी मिले, ठठानी उठा तेरी, उधर मैं तेरे नाम को रो रही हूँ और तू यहाँ पीछे से खाता खाया। अरे अल का समय हो गया है, तू चाहता है तो मसीहत बना जाऊँ? सब दिन माँ, शास्त्रों में लिखा है कि तीर्थ यात्रा का पुण्य पराया धन तुमको प्राप्त नहीं होता। अच्छा? मिले मुफ्त का माल, घूमे ताल बताल, इससे कोई लाभ नहीं। लाभ क्या बच्चे करे, तेरा बाप का माल है, कहने का क्या जाए, हम असासी की छाती फटे। देखा मालिक, बात बात में इन्होंने आपको तेली बना दिया। चुप मुर्दा, तेली कहा कि नहीं कहा? अरे कीड़े पाए तेरे मुँह में। दे दो ना 1500 रुपए के जाए। कहाँ से लेके आएंगे, अपने आप को बेच के लाएंगे मालिक? आप लोग तो बड़े लोग हो, बस जबान हिला देते हो, जुटाना तो हम ही को पड़ता है। टांगा दरवाजे पे लग गया है चंदन बाबा। बोलो, टांगा भी आ गया। आ रही हैं, आ रही हैं। ये लो 500 रुपया, आप जा, हमको बहुत जरूरी काम है, म्युनिसिपैलिटी जाना है। जाके बाहर म्युनिसिपैलिटी में, इस घर में किसी से उम्मीद तो नहीं है कि मुझे स्टेशन छोड़ने जाएगा। एक पोती अपना खून है और भी सब ऐसे गायब है। कबड्डी 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 शंकर भगवान हमारे साथ है, गिर गया हमारा की कोई बात नहीं, डरो नहीं। ला 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 ला
जय राम जी की भोलेनाथ जी, नमस्कार। ओ छोटी मलकी, ये तुम हो क्या? हाँ हम ही हैं। हम भी जानते भोलेनाथ जी, नमस्कार। अब समझा, चुड़ैलो तुम हो। रास्ता चलते अंधे आदमी से टिंगल करती हो, तुमको शर्म नहीं आती है? जवानी आ गई लेकिन अकील नहीं आ। लेकिन जवानी तो दीवानी होती है ना भोलेनाथ जी। अरे हम नहीं, क्या करें, तुम्हारे लिए खरीदा है कट्टू हमने। नहीं 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 छोटी मलकी, नहीं ये गिरा देगा हम तो तुम। अरे बाबा हमें डर लगता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। सुनो एक बात सुनाओ झूठ है या सच है ये तुम जानो। अरे झूठ है या सच है ये तुम जानो। मैं बैरागी नाचूंगा। जग में ऐसे बंदे हैं
चंदों के ऐसे झंडे क्या करना है देख के जग को अच्छे हैं जो अंधे हैं तू अनजानी तू दीवाना तू दीवानी चूरन खिला दी कि आग लग गई। भोला कौन से वेद या हकीम का चेला है उसके चक्कर में पड़ गए ना तो एक दिन श्री राम नाम सत्य बुलवा देगा। लेकिन तुम्हारे पाँव की मौज तो उसी ने उतारी थी बिटिया। आई कहाँ थी वो तो हम उसको बुद्धू बना रहे थे। तुम्हारी तो सामग्री आ जाएगी भोलेनाथ। अरे कहा शिवशंकर ये कैसी आफत में फंसा दिया। पूरे 30,000 रुपए का मामला है छोटा मोटा भी नहीं है। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा प्रभु। मेरी तो नाक कट जाएगी चुल्लू भर पानी में डूब मरना पड़ेगा मालिक। जिसे चुल्लू में पानी भर दिया है वैसे झोली में रुपया भी भर दो मालिक। एक कौड़ी नहीं मिलेगी। तुम हो? हाँ, ये दरवाजा बंद करके क्या करतब दिखा रहे थे। शर्म नहीं आती घर में दारू की बोतल लाते हुए। दारू की बोतल को कौन लाया है? सर पर तोड़ू एक दारू की बोतल तब पता चलेगा। मैं भी कहूँ नाना जी की लत छूटती क्या मेरी कम्बख्त। ऐ देखो छोटी मलकिन खबरदार जो दारू की बोतल के साथ नाना जी का नाम लिया तो नाना जी को दारू की बोतल की क्या जरूरत है। वो तो दारू की बोतल हम लाए वकील साहब के लिए। वो आ रहे हैं अगले सोमवार को दौरे के ऊपर। हाँ अभी पिछले सोमवार को तो लौट कर गए थे यहाँ। अब अगले सोमवार को फिर हाथ धमकेंगे क्या? यही बस्ती पकड़ ली है वकीलों ने। पकड़ ली है तो हम क्या करें? इतना झूठ बोलो जितना के हजम हो जाए। छोटी मुश्किल अरे तुम तो बहुत आफत जोते हुए हो जिंदगी मुश्किल कर दी। अरे भाई वकील साहब कब आते हैं कब जाते हैं क्या करते क्या नहीं करते उससे तुमको क्या है? तुम छोकर जा तो चुप करके घर में बैठो। चुप करके घर में बैठो और तुम्हारे लक्षण देखते जाओ। मैं जरूर हर बात में बोलूंगी और सुनना पड़ेगा। हाँ बोले जा हम भी ज्यादा दिन नहीं सुनेंगे। ठाकुर साहब से कह के इतनी दूर तुम्हारी शादी कराएंगे ना जहाँ ना रेल जाए ना लारी आना जाना तुम्हारा मुश्किल हो जाए। हम इस घर के चौधरी है चौधरी। भोलेनाथ कहेंगे वही इस घर में होगा। ज्यादा हुक्मरानी ना जाता भोलेनाथ जी। तारा नहीं करने वाली इस घर से। हाँ जिंदगी भर यहीं बैठकर तुम्हारी छाती पर मूंग डलेगी।
अब हटो मेरे रास्ते से। अरे छोटी मलकी, अरे कहाँ जा रही हो, मेरा रुपया तो देती जाओ। रुपए चाहिए? ये लो तुम्हारे रुपए। ए और लो, लग जाएगा। डोंट डू दैट, स्टॉप इट। बदमाश, बेवफा। आई डोंट अप्रूव ऑफ दिस नॉनसेंस। शर्म नहीं आती है? मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। 2 साल से अंगूठी पहना के हवा में लटका रखा है, मजाक बना है मेरा। नॉनसेंस, आई टेल यू, आई रियली गेट इट। किसके पास है ये? किसी का क्या सुनता है? मैं तो स्टॉप इट। कंफाउंडेड वुमन, क्या हुआ तुम्हें? पागल हो गई हो तुम? तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गई डार्लिंग। इधर आ लो बॉय, आओ। अपनी मम्मी तो सीखा डरते हो, अभी तो शादी होने वाली है। पेशा, क्या हो रहा था कुंवर भैया के फ्लैट में? कहाँ लड़की? कौन लड़की? ये लड़की, ये सिगरेट कौन गिरा था? ये गिरा, किसके लिपस्टिक के निशान है इस पर? ये जाके अपने चचेरे भाई कुंवर प्रताप सिंह से पूछिए मैडम। वो मिसेस भार्गव आई थी आज सजा के, दूल्हा बना के ले गई है कुंवर को वर्दी कौपे के लिए। वो बंबू मल ऑयल मिल्स वालों के यहाँ, वो जिनकी टेढ़ी आंख वाली लड़की है, देखती इधर है निशाना उधर लगता है। सब बकवास है। बकवास नहीं है, दिस इज अ फैक्ट। जब से रियासत हाथ से गई है, आपके भाई ने शादी की मंडी में अपने आप को नीलाम पर चढ़ा दिया है। राजघराने से रिश्ता जोड़ने का बंबू मल क्या 4 लाख रुपए भी नहीं देगा? मैं तो 3 पर भी राजी हो जाता। भैया, तुम्हें किस बात की फिक्र है? तुम्हारे पिताजी तो आयरन फैक्ट्री बनाकर 150 धन कमाकर बड़े आदमी बन गए हैं। सॉरी डार्लिंग, इट्स ओके। और क्या? एकदम क्या? एकदम। कुछ गुम गया? ये इधर उधर क्या देख रहे हो? ऊपर वाले का चमत्कार देख रहा हूँ। कैसे तुम बिगड़ के यहाँ से चली गई थी और मेरी मोहब्बत तुम्हें खींच के यहाँ वापस ले आई? मोहब्बत मोहब्बत नहीं, किताब भूल गई थी, वो लेने आई हूँ। हड्डी का खचूबर निकल गया, हड्डी का। ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर जाके मर रहा है क्या? ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर नहीं, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, तो फिर मैं क्या करूं? तो तुम रो रही क्यों लगी हो? जाके वो डॉक्टर आस्कर के भास्कर, उसका क्या नाम है, उसको बुलाओ। अरे तो सलास्कर, सलास्कर को बुलाओ। ये तो गई, ये तो गई, गई गई, ये तो गई, एकदम गई। पूछता हूँ कौन है भाई? डैडी आप हैं? रात के 2 बज गए, अभी तक आप सोए नहीं? आप अपनी आदतें कब बदलेंगे? तुम भी अपनी आदतें बदलो संजय, ताकि चैन से जाओ और सबकी नींद सो सको। वक्त का कुछ अंदाजा है तुमको? डैड वो मेरे दोस्त है ना कुंवर प्रताप सिंह, उनके बड़े भाई का देहांत हो गया, अचानक ही बैठे बैठाए उनका हार्ट फेल हो गया, तो आज उनके लिए वो कथा पाठ हो रहा था। अब अगर पहले ही चला आता तो लोग कहते कि देखो कैलाशनाथ माथुर का बेटा 2 शब्द अंग्रेजी के क्या पढ़ गया, अपनी देसी हिंदुस्तानी संस्कृति ही भूल गया। संस्कृति का अगर इतना ही ख्याल है तो घर आए हुए मेहमान से मिलवाओगे नहीं? मेहमान तो यहाँ कोई भी नहीं है डैडी।
मिस, अगर मेरे अंधेपन से फायदा उठाना हो तो आइंदा खुशबू लगा के ना आइएगा। सारा कमरा जनाना सेंट की खुशबू से महक रहा है। उस लड़की में गैरत कब से भी कुछ मादा बाकी था जो चुपचाप भाग के चली गई, लेकिन तुम में वो भी नहीं संजय। लाचार बाप से घिना होना झूठ, कदम कदम पर फरेब। फरेब देने पे दरअसल आप मजबूर करते हैं डैडी, आपको आजकल जमाने की रविश का कुछ अंदाजा तो है नहीं। लड़के लड़कियां फ्रीली एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, सभी कुछ होता है। मुश्किल तो यह ना कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता। देख सकता अभी तो अपनी आंखें फोड़ लेता। कम ऑन डैड, वन मस्ट लिव विद द टाइम्स। और फिर अपनी औलाद पे कुछ ना कुछ भरोसा होना चाहिए आदमी को। औलाद नहीं हो, न जाने मेरे कौन से गुनाह की सजा हो तुम। अपना गुनाह भूल गए कैलाश? खूनी तो तुम मेरे बच्चे के खून से रंगे हैं तुम्हारे ये हाथ। खूनी, खूनी, खूनी। अरे कौन है? भाई गिर जाएंगे भाई। पहचान लिया, पहचान लिया, छोटी मलकिन तुम हो? दैया रे दैया, पहली ही मुलाकात में मलकिन बनाए रहा है। अरे चेला, हमारा नाम फुलवा बंजारन है। अरे ओ नीचे तलाव के धोरे हमरी टोली तंबू गाड़े है। लहजा तो फर्क है पर आवाज तो। अरे आवाज है ना सुने हो, और जौन सूरतिया देख लो तो का हाल हो है राजा। शिव शिव शिव, बाल ब्रह्मचारी की धोती पे हाथ डाला तूने बेशरम। अरे तो का भवा, शादी के बाद रोज यही धोती कुर्ता तो हमका धोए कपरी। कौन की शादी रे, किसकी शादी? अरे हम दो नन की शादी, और कौन की जानत हो? हम रात दिन तोहरे नाम की माला जपत है। बाप रे बाप। छोटी सी उम्र में लग गया रोग, छोटी सी उम्र में ही लग गया रोग, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। छोटी सी उम्र में ही लग गया रो, कहते हैं नो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। पर मरने से पहले कुछ करने से पहले लेके तेरा नाम तुझे बजना, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। Thank you.
वाह साला क्या गाना है और अफला तुम छोकरी ए फुलवारानी ये ले तू अपना है नाम है ये ले ठन्नी और हमारा टट्टू भी बाबा ढूंढ दे ही कहीं होएगा हाँ ये ले ठन्नी चला अरे शर्मा नहीं ले लो ए फुलवारानी ले लो अरे हमसे बात के कहाँ जा रही है बिमला रानी अरे हम आ रहे हैं तोरे सगाई का जोड़ा लेके तुम्हारी बिटिया बिमला है ना वो रात भर मुझे चैन से सोने नहीं देती अब उसका हाथ मेरे हाथ में दे दो और ये देखो शगुन के लड्डू और फूल लाया हूँ शगुन के निकल जाओ मेरे घर में से अरे वह मुनि बापू ये क्या हो गया बापू ले तेरी लड़की पर अपने मुहर लगा दिया है रात को बारात लेकर आऊंगा दुल्हन सजा कर रखना कई बीच बजा दुहाई सरकार दुहाई सरकार माने नजरिया की मां दुहाई सरकार हम बारात लेके आ गए हैं ससुर जी कहाँ है हमारी दुल्हनिया अरे तुम भी आओ कन्यादान तुम करोगे क्या तेरा बाप तो काफी शरीफ आदमी रहा रे तू ऐसा लुच्चा हरामखोर कहाँ से निकल गया सुकना मेरे लगता जरूर तेरी पैदाइश में कोई खोट है खबरदार हमारे खानदान के बारे में कोई ऐसी वैसी बात की तो जबान खींच लेंगे चुप बेसारा तेरे घर में कोई माँ बहन होती तो ही तो किसी की इज्जत का मोल लगाता ना तू कान खोल के सुन ले बेटा बिमला खाली मुनीम काका के घर की इज्जत नहीं है सारे गांव की इज्जत है एक कदम आगे बढ़ा के देख लो नहीं तो हड्डी पसली तेरी बरोबर न कर दी तो मेरा नाम भोला नहीं अच्छा सुन ले बढ़ा दिया बम निकाल दूंगा सुगना बरातियों से बचाए यहाँ से मैं तो कैन का बाहर जा अरे चल ले अरे मत मार इसे मुझे चाले ले याद रख सुगना भगवान भोलेनाथ को आंख भले नहीं दिया लेकिन बाजू में बल जरूर दिया है फिर अगर कभी इस घर का रुख किया तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा समझा अब निकल इधर से जा चलो चलो तीस मार खान चल रहे अरे उधर कहां चलो बरखुदार इधर चलो डरते क्यों हो डरे काहे का हम क्या किसी का खून किया है जो डरे अरे जो कुछ कहना है जाके छोड़ो मलकिन से कहो देखो आज तुम्हारी क्या गति बनती है जो गताई बनेगी हमारी तो हमको क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो हम अंदर चले जाए हमको जाना है काम है बहुत म्युनिसिपैलिटी में लो सुन लिया ना जा जा आइए भोलेनाथ जी तशरीफ लाइए कल रात सुना बहुत घमसान का युद्ध हुआ युद्ध क्या होना था छोटी मुल्की नब इसमें हमारा भी क्या मिस्टेक है ये गुंडा लोग हैं ये देखो गांव की इज्जत पे हाथ डालें तब हम भी खड़े होकर तमाशा तो नहीं देख सकते ना हाँ हाँ ये बात भी बिल्कुल ठीक है बस्ती में कोई थाने चौकी जैसी जगह थोड़ी है जो तुम वहां जाकर रिपोर्ट लिखवा देते या अगर ऐसी बात थी तो बिमला को यहाँ ले आते तुमको तो बस अपनी तीस मार खानी जतानी थी दिखाई तो देता नहीं कोई पेट में चक्कू मार देता तो सर फोड़ देता तो भूल हो गई छोटी मलकिन भूल एक दो दस हो तो कोई गिने हमने तुम्हें टट्टू खरीद के दिया था तुम्हें याद है हाँ याद है कहाँ है वो टट्टू मैं पूछ रही हूँ कहाँ है वो टट्टू वो
टट्टू तो बड़ी मौज में है छोटी मलकिन। थान पे बंदा नीचे गुड़ चाट रहा है, जरा मोटा भी हो गया। तुम्हारा भांडा फूट चुका है भोलेनाथ। जंगल में जो आजकल उस बंजारन से तुम्हारी चखल्लस हो रही है ना, उसका सारी बस्ती में चर्चा हो रहा है। लोग थू थू कर रहे हैं, खूब नाम चमका रहे अपना। देखो छोटी मलकिन, हम आज तक किसी बंजारिन का शकल तक नहीं देखा है। शकल तो आज तक तुम हमारी भी नहीं देखे हो भोलेनाथ, पर हमारा ऐसा किसी छोकरी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक नहीं है तो फिर उसको हमारा टट्टू क्यों दे दिया? अरे दिया कौन, दिया कौन, वो तो खुद ही लेके भाग गई कम वक्त छोटी मलकिन। हाँ। और मुझसे कह रहे थे कि मौज में है टट्टू, थान पे बंधा गुड़ चाट रहा है, थोड़ा मोटा भी हो गया है। चलो तो सर मेरे साथ नाना जी के पास। क्यों, किस लिए? उन्हें भी तो पता चले कि इस घर में क्या क्या गुल खिल रहे हैं। छोटी मलकिन हम हाथ जोड़ते हैं, देखो ठाकुर क्या कह रहे हैं, करो। देखो हम अंधे आदमी, हम हाथ जोड़ते हैं, हम तुम्हारे पांव पकड़ते हैं, हमें माफ कर दो। अरे रहने दो दीदी, माफ कर दो हमारे भैया को। अरे वो बंजारन ही बड़ी चंद तो भैया जैसी थे। तू बीच में कहां अटकी, तुझे क्या मालूम? अरे हम वहाँ पेड़ के पीछे खड़े सारा तमाशा देख रहे थे दीदी। क्या? हाँ, और जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो डर के मारे दुम दबा कर भाग खड़ी हुई, और वो टट्टू है ना टट्टू, हवेली के पीछे लाकर बांध गई। ए माफ कर दो ना भैया को। हाँ भोले तुम जा सकते हो, लेकिन आइंदा जरा ख्याल रखना, ख्याल रखना। अरे ख्याल क्या रखना, अब किसे हमारे हत्या चली तो हम तो हड्डी पसली नरम कर देंगे सुतली की। हाँ। अरे 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 भोला क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मालिक, दरअसल भोलेनाथ का टीम खराब आ गया। चोट तो नहीं आई? नहीं, नहीं मालिक। ये ऊपर तारा क्या चिल्ला रही थी? मालिक कबड्डी खेल खेल के उनके फेफड़े एकदम मजबूत हो गए, इसलिए उनको चिल्लाने की आदत हो गई। अब हम क्या करें? आटे का पूरा कनस्तर गिरा दिया, दिखाई नहीं देता क्या भोलेनाथ? अंधे हम हैं या अंधे तुम हो मंगलू काका? दीदी इस खेल का अंध भी सोचा है? ये खेल नहीं बिमला, तेरी दीदी की पूजा है। रात गए कहां गई थी? मंदिर गई थी पूजा करने, तेरी दादी ने तेरे लिए बर छुन लिया है तारा। दुखी क्यों होती है बिटिया? राजघराने का बर ढूंढा है उन्होंने तेरे लिए। अरे हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुझे इतना अच्छा बर मिलेगा। समदिन में ला रही है जमाई राज को बर दिखाने के लिए। ये देख तेरे लिए चिट्ठी लिखी है माजी ने, पर इसमें क्या लिखा है? थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो माँ, चलो मगरू। देख तो कौन आए हैं।
ये है सरस्वती, तारा की माँ, हमारी बहू। आशीर्वाद दीजिए। जी सर। अरे असली आशीर्वाद तो उस दिन मिलेगा जिस दिन इस घर में सहनाइयाँ बजेंगी, कुंवर जी दुल्हा बन के इस घर में बिरा जाएंगे। छोटी मालकिन तुम हो? ये सांस क्यों इतनी उखड़ी उखड़ी है, भागी चली आ रही है क्या? हाँ भोलेनाथ, घर से भाग गई हूँ। तुम हारा पायर एक जगह टिकता ही कहाँ है छोटी मालकिन, जब देखो हवा के घोड़े पे सवार। अरे ससुराल जाके भी इसी तरह दंदनाती फिरोगी तो तुमको तो लोग पूहक कहेंगे, साथ में हम लोगों को भी नाम धरेंगे। भोलेनाथ क्या है? दादी यात्रा से लौट आई है। अरे राम जाने वहां गई या 500 रुपए लेके ऐसी अंटी में खोस लिया। प्रभु माफ करना, अवश्य गई होंगी, जरूर गई होंगी, और बहुत अच्छा हुआ कि लौट के आ गई। साथ मेरी सर्वनाश का प्रसाद भी लेकर आई है। सर्वनाश का प्रसाद? उनसे जाके कह दो भोलेनाथ, तारा जहर खाकर हमेशा के लिए सो जाएगी लेकिन अपना धर्म नहीं गवाएगी। कैसी बातें कर रही हो, कुछ बात के सर पैर का पता तो चले छोटी मलकिन। बाहर में गई छोटी मलकिन, वो होती कौन है मेरा पर चुनने वाली, जो आ गई राजघराने के कुंवर को लेकर मेरे पल्ले बांधने, सारी बस्ती में तमाशा खड़ा कर दिया मुझे जलील करने के लिए। छोटी मलकिन? छोटी मलकिन नहीं, मेरा नाम तारा है। और जाकर कह दो अपनी चहेती समदिन माँ से कि भगवान को साक्षी मानकर तारा ने अपना वर चुन लिया है। सुनते हो, तारा ने अपना वर चुन लिया है, तारा ने अपना वर चुन लिया है। वो मरती मर जाएगी लेकिन किसी और की नहीं होगी, जाकर कह दो उनसे। मालिकों का नमक इस दिन के लिए नहीं खाया छोटी मलकिन, कि तुम्हारे कहने पर जाकर भरे घर में ठाकुर वंश के नाम पर कालक पोत दूं मैं। भगवान की कृपा से आज पहली बार घर में तुम्हारे रिश्ते की बात आई है और अपनी मनमानी में तुम सारे खानदान के नाम पर कालक पोतना चाहती हो, उसको कलंकित करना चाहती हो। तुम्हारे बुजुर्ग कभी मरे नहीं है छोटी मलकिन, वो जिंदा है। उनके होते हुए अपना बर चुनने वाली तुम कौन होती हो? तुम कौन होती हो अपना संबर रचाने वाली? मैं सीता और संजयता की संतान हूं। अगर उन्हें अपना स्वयंवर रचाने का अधिकार था तो मुझको भी। हाँ तो पूछ सकता हूं, इस कलयुग में कौन है वो राम, कौन है वो पृथ्वीराज चौहान जिसके गले में तुम वरमाला डालने पर तुली हुई हो? बताओ छोटी मलकिन। छोटी मलकिन, जैसे रानी पद्मिनी इतिहास के पन्नों से निकलकर एक बार फिर धरती पे उतर आई। तुम्हारी इस अधूरी झलक ने ही मुझे जीत लिया है तारा, मैं तुम्हें अपने जीवन साथी स्वीकार करता हूं। पुरखों की परंपरा ने वरमाला मेरे हाथों में दी है कुंवर जी, और वो वरमाला मैं किसी और को पहना चुकी हूं। साहब, ये रिश्ता मुझे मंजूर है। छ
छोटी मिलके अब मुझे छोटी मलकिन ना कहो भोला, जिस ऊंची जगह तुमने छोटी मलकिन को बिठा रखा था वो वहां से गिर गई, उसका भरम टूट गया भोला। ना छोटी मलकिन, और अच्छा ही हुआ, सदा के एक ढोंग से फुलवा नाम की बंजारन ने तारा को मुक्त कर दिया। अब जैसी भी हूं वैसी ही तुम्हारे सामने खड़ी हूं। पवित्र है छोटी मलकिन, उनका हृदय भी पवित्र है, उसका प्यार भी पवित्र है भोला। अवश्य छोटी मलकिन, प्यार पाप नहीं है, प्यार देवताओं का वरदान है जो सिर्फ भाग्यशालियों को मिलता है। अगर ये सच है तो मैं अपना हाथ बढ़ाती हूँ, थाम लो इसे। नहीं छोटी मलकिन, ये गुमनाम अंधा जिसकी न जात का कोई पता है न जिसके कुल का कोई ठिकाना है, ये अंधा तुम्हारे पैरों की धूल है छोटी मलकिन। पैरों की धूल माथे का तिलक नहीं बन सकती है, तुम भूल कर रही हो छोटी मलकिन। जब तारा को इस फूल की सजा मिलेगी तो वो किसी से शिकायत नहीं करेगी भोला। छोटी मलकिन, इसी घर का नमक खाकर मैं पला, सोचा था ये जिंदगी इसी घर की सेवा में बिता दूंगा, लेकिन लगता है भगवान ने भोला के भाग्य में कोई और यात्रा भी लिखी है। अब चलूं मैं छोटी मलकिन, मुझे आज्ञा दो। ये तुमने अपने हाथों को क्या कर लिया है भोला? ये अपने अपराध की सजा मिली है छोटी मलकिन। खोल दिया है भोला, जहां तो जा सकते हो। समधन, मैं 3 लाख रुपए लाऊंगा कहां से? अरे 3 लाख नहीं तो क्या, 3 करोड़ देकर अपनी नवासी को विदा करोगे? 3 लाख तो कुंवर जी विलायत के चक्कर में फूकाते हैं। याद रखो ठाकुर, अगर रिश्ता टूट गया तो लोग यही कहेंगे कि ठाकुर के नवासी में ही कोई खोट थी, जो कुंवर जी की दूर से चल के आए उल्टे वापस चले गए। फिर तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, समझ गए? ये क्या उल्लिया बना रखा है? संजय नहीं, हमारा नाम भोलेनाथ है कुंवर जी, इस हवेली का एक मामूली नौकर है। अंधे हो क्या? जन्म से अंधे हैं कुंवर जी, आप शायद खड़े हैं, बैठ जाइए ना। क्या कहा, किस लिए आए हो यहाँ? Thank you.
चोरी का माल मंदिर में इसलिए छुपा रखा है कि कहीं भंडा ना फूट जाए। भगवान अंतर्यामी है कुंवर जी, वो जानते हैं अच्छी तरह ये चोरी का माल है या मालिकों की अमानत। मुदा इस धन का भेद सिर्फ आपके और हमारे बीच रहेगा। चढ़ावे में आपने 3 लाख रुपए मांगे थे, सो सामने इस थाल में रखे, चाहे तो गिन के संतोष कर ले। डरिए नहीं कुंवर जी, नागदेव हमारे मित्र हैं। महाराज, ये धन छोटी मलकिन के दहेज में जा रहा है, अपने आशीर्वाद के साथ इसे कुंवर जी के हाथों में सौंप दो, और फिर इस सेवक को भी आज विदाई की आज्ञा दो। हमारे साथ विश्वास घात नहीं करेंगे आप। हम जा रहे हैं भोलेनाथ तुम्हारे शिव जी का ये प्रसाद लेकर, मगर तुम चिंता न करो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी इन चोरियों का राज हमेशा के लिए हमारे सीने में बंद रहेगा। गुड बाय। संसार के दाता, अन्याय विधाता, अमृत मांगा था विष पाया, लेकिन आज समय वो आया, अपनी आंखें तू खोलेगा, तेरा सिंहासन डोलेगा। भक्तों से अखियां फेरे, thank you.
भोलेनाथ। छोटी मुल्कन, भगवान ने मेरी तपस्या स्वीकार कर ली। छोटी मुल्कन, मेरी आंखों को दृष्टि दे दी उन्होंने। ईश्वर का वरदान है तुम्हारी आंखें भोलेनाथ, इनके सहारे तुम्हें अपनी राह, अपना मार्ग तलाश करना होगा। अपना कर्तव्य पहचानता हूं बाबा, आशीर्वाद तो मुझे। ये क्या हो रहा है? ये बैंक तुम्हारे बाप का है? जी नहीं, हमारे बाप का। तो फिर आपके बाप का? फौरन से वहां पर पहुंच गए। बदतमीज, मैं तुम्हारी सूरत देखकर फौरन पहचान गया था कि तुम जेब कतरे हो, या तो जेब काटने वाले हो या जेब काट कर भागे हो। चलो, पास में सोना मना है। चलो, पास में सोना ही मना है ना। हाँ, हम तो कह रहे थे, क्या कर रहे थे? हम यहाँ पे पैर पसार के लेटे हुए थे, सोच रहे थे। बेटा, हवलदार रघुनाथ को कानूनी पैसे बता रहे हो? 208 से निकल गया ना, तो 457 में घसीट लूंगा। हम कोई खटीजेंगे आप? क्यों? वो खुजली वाला कुत्ता जो है वो सामने खड़ा हुआ, वो बैठा हुआ था यहाँ पे, खड़ा था और राज्य ले रहा था वो। तो शहर की पारक की बेंच के अंदर उसके ऊपर कुत्ता सो सकता है, आदमी कहीं आराम नहीं कर सकता। चलो अपने रास्ते ना, तो चलो जाते हैं साहब, जाते हैं। और सुनो जी, मैंने दोबारा तुम्हें जहाँ देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम तो किसी पागल कुत्ते ने काटा है। जय राम जी की। जय राम। अब जाओ। मेरे नहीं तो क्या तुम्हारे बाप की कार है? बाप पर मत जाना, चलो थाने चलो सीधी तरह। खबरदार जो हाथ लगाया तो कैसे बैठूंगा अंदर। चलो। कहाँ और क्यों चले? थाने चलो। थाने चलना तो चलो, इधर चलो, इधर से, इधर से जल्दी आओ, जल्दी। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। यही सोच कर रात भर में कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरा
मेरा दिल जिसको फिदा हूँ, दो दिल पर वो महबूब हो तुम, मेरा दिल जिसको फिदा है वो दिल पर वो महबूब हो तुम। हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू। सारे शहर में आपसा कोई नहीं, कोई नहीं। तुमको मेरी वफा पे जाने क्या क्या गुमा हो रहे हैं, तुमको मेरी वफा पे जाने क्या क्या गुमा हो रहे हैं। इश्क़ करता हूँ आशिक मेरा नाम है, आशिक इश्क़ करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है। हमको शिकायत आपसे कोई चारी को जला के ताव दिला के भगा दिया और पूछती है सोनिया कहाँ है। मैं खुद यहाँ से भाग रही हूँ। क्यों? It's not fair. Why? What's not fair? अच्छी लड़की है। वो तो है। She's a nice girl. Sure. She's. तुम्हारी मंगेतर है ना? रुसी, रुसी दाना भरो रुसी। Look at
मान गए। किस नीच खानदान में जन्म लिया है तुमने जो इतना भी नहीं जानती कि शरीफ लड़कियों के तौर तरीके क्या होते। सोनिया एक ऊंचे कुल की लड़की है, वो मेरे बेटे की मंगेतर है, लेकिन उसके खून में इतनी बेहयाई नहीं जो इतनी रात गए चोरों की तरह इस घर में कदम रखे वो। तुम जैसी डायने औरत जात के नाम पर कलंक है। अपने जिस्म को बेचकर शरीफ साधुओं को गुमराह करना, उनकी दौलत लूटना, यही तुम वैश्याओं का धर्म है। यही वैश्या आपके संजय के होने वाले बच्चे की मां बनने वाली है। क्या कहा? सहकार औरतों की पुरानी चाल है ये, अपने गर्भ के कांटे से शरीफ घर के लड़कों को फांसना पुराना हथकंडा है। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम इस हथकंडे को मेरी बेटी पर आजमाओगी। उससे शादी करने के लिए तुम अपने आंसू बहाओगी और जब वो इनकार करेगा तो उससे अपनी कीमत मांगोगी। मांगो कीमत, मुंह मांगे दाम मिलेंगे तुमको। मैं जानती हूं अपनी दौलत से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे आपका रुपया नहीं चाहिए। रुपया इसलिए नहीं चाहिए कि अपनी अय्याशी के नापाक निशान को अधिकार की सनद बनाकर तुम इस घर की बहू बनने के ख्वाब देख रही हो। चिंता ना करें मिस्टर कैलाश, मैं उस निशान को हमेशा के लिए मिटा दूंगी। मां होकर अपनी ही औलाद को मिटा दोगी तुम? मर्दों की हवस ने मुझे इसका आदि बना दिया है, मगर मुझे इस बार दुख होगा क्योंकि मुझे अपने प्यार की निशानी मिटानी पड़ेगी। रुक जाओ लड़की, जिंदगी देने वाला परमात्मा है, उसे छीनने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। यह घिनावना पाप एक सांप बनकर तुमको डसता रहेगा। न जाने ये किस किस रूप में तुम्हारे सामने आएगा, तुमको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। गुड नाइट सलन। गुड नाइट बॉस। नफरत है मुझे तुमसे। I hate you. But I love you, Lucy, darling. Grasco को छोड़कर कहीं नहीं जा सकोगी। जिंदगी भर तुम इन बाहों में कैद रखूंगा मेरी जान। क्या जुर्म किया है इसने? सर आप पूछिए ये क्या जुर्म नहीं कर सकता, ये सब कुछ कर सकता है। चोरी, डाका, गिरफ्तारी, फोर्जरी, टॉर्चरी, स्लॉटरी, क्रॉकरी, मिमिक्री। सर आप इसकी बोली सुन पर मत जाना, सीधा खड़ा रह जाना। ये फटाफट चोला बदलता है, अभी धोती में तो सूट में, सूट में तो धोती में। सर इसने मुझे अभी अभी पटकनी दे दी, जर्ज में आए जो सर। आप सर इसलिए मैंने इसका फोटो वोटो एड्रेस सब लेके रखा है। सर आप कहें तो इसे आज रात के लिए अंदर कर दूं। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो दरोगा जी। बीच में मत बोलो जी। बीच में नहीं बोल रहे हम, आखिर में बोल रहे हम। आपकी दिन भर की बकबक के बाद साहब खदेड़ के रख दिया साहब ने हमको। सवेरे साथ कली पहना के घुमा रहा सारे शहर में और हम लाख का साहब। क्या हम चोर नहीं है भाई, हम उचक्के नहीं है, हम गांव के रहने वाले शिव भक्त हैं। हम वो इस शहर के वो कौन महान व्यक्ति हैं, वो क्या भला नाम है उनका? कुंवर प्रताप सिंह जी। वो अगर आके हमको गांव में चूना न लगा जाए साहब तो हम भला बताइए किस अंधेर नगरी में काहे को पाँव रखे। कुंवर प्रताप सिंह को तो जानते हैं। अरे साहब उन्हीं की तलाश में तो हम सारे शहर में ठोकरें खाते फिर रहे हैं। मैं बताता हूँ उनका पता। ये क्या होलिया बना रखा है, कोई नया नाटक सजा? निपट गवार नजर आ रहे हो। निपट गवार तो हम है ही नहीं साहब। उतारो ये कपड़े जल्दी। क्या मतलब? आज तुम्हारा बर्थडे है मैडानी, अंदर जाके फर्नीचर कपड़े उतार। कपड़े ही उतार? वो क्यों? ऐसा हमारा हो गया। ये कमाल का हुक्म है। अजीब लड़कियां होती हैं शहर की, यानी आदमी के कपड़े तक उतरवा लेती हैं आप लोग। मेम साहब आपको मालूम होना चाहिए हम गांव के रहने वाले हैं, असली घी खा के पले हैं, हमारा खून गर्म है। जी हाँ। करिए ना, मैं तुम्हारे लिए पार्टी की तैयारी कर रही हूँ और तुम्हें बहुत
हरगिज नहीं जाएंगे, यही चौकड़ी जमा के बैठे रहेंगे इस घर में जब तक के मालिक मकान नहीं आएगा। जो आपको करना हो आप करो, जो हमको करना है हम करते हैं। हाँ, अगर हो सके तो ये ओढ़नी ओढ़ लो, सब दिखता है। क्या करो डार्लिंग, हमको गर्मी लगती है। गर्मी लगती है तो हमारा ये गमछा ले लो, कुछ तो ढकेगा। जी में आता है मुंह नोच लो। हम भी आपका मुंह नोच लेंगे। हाथ हटा लो कुंवर, मैं देख सकता हूँ। भगवान ने आंखें दे दी तुझ जैसे पापी के दमन के लिए। पाताल तक तेरा पीछा न छोड़ता पाखंडी। निकाल वो रुपया। कौन सा रुपया? भगवान की छांव तले अंधे को चकमा देकर अमानत के रुपए ले भरा, लौटाता है सीधी तरह या वसूल करें हम अपने ढंग से? आप जरा देखो, ऊपर से आपका फोन है। अच्छा मैम। What the bloody hell is this? कौन है? कौन ये? ग्रास्को का नाम तो सुना होगा आपने। अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन तुम जैसे लफंगे को इस घर में कदम रखने की जुरत कैसे हुई? आपके साहेबजादे की तलाश में आया हूं। दोस्ती के नाम पर थूक दिया उस जलील आदमी ने, जो दास्ता मेरे टुकड़ों पर पलती थी। उसके साथ 15 लाख रुपए लेकर भाग निकला कमीना। मेरे 15 लाख, ग्रास्को के 15 लाख। हेलो प्रताप, मैं कैलाश बोल रहा हूँ। संजय तुम्हारे घर में है? कोई खास बात है अंकल? अजीब ही बात सुन रहा हूँ मैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आता। अंकल क्या बात है अंकल, आप चुप क्यों हो गए अंकल? कुमार, दिस इज क्रास्टो हियर। हाय क्रास्टो। तुम्हारा दोस्त संजय और लूसी मेरे घर से 15 लाख रुपए लेकर भाग निकले। क्या बात कर रहे हो क्रास्टो? जहां भी उस तक खबर पहुंचा दो कि अगर आज शाम तक मेरा रुपया और लूसी मेरे घर वापस ना आए तो आज रात की पार्टी में बजाय विस्की और शैंपेन के खून के फवारे छूटेंगे। गॉड इज ग्रेट भोलेनाथ, तुमने उस घर में पाव क्या रखा, मेरे भाग्य की रेखा खुल गई। क्या आखिर इसका? बहुत कुछ हो गया भोलेनाथ, बहुत कुछ हो गया। बहुत जल्द मैं तुम्हारी सारी रकम तुम्हारे इस गमछे में बांधकर तुम्हारे गले में लटका दूंगा और उसके बाद कुंवर प्रताप सिंह विल बी ए फ्री मैन। और अब ये देखो, किसी का बाप भी नहीं बता सकता कि तुम संजय नहीं हो। किसी का बाप तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर संजय महाशय खुद ही तुम्हारी पार्टी में आ धमके आए तो कैसी गंभीर समस्या होगी। अम्बेसडर होटल से टेलीफोन आया था, संजय ब्लूसी के साथ वहां कोई छह रहे हैं। ड्रामे का पहला पर्दा उठ रहा है, होशियार। तुम्हारी मंगेतर सोनिया तुम्हें ले जाने के लिए आ रही है। मैं बाहर चल के तुम्हारे स्वागत का बंदोबस्त करता हूँ। बंदोबस्त करता हूँ तुम्हारा।
लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी अभी आपके सामने इस महफिल में एक ऐसे बच्चे को पेश किया जाएगा जो आज ही पैदा हुआ है और जिसने अभी अभी जन्म लिया है। बोलो प्रिय दोस्त, बोलो गुड। पीते पीते कभी कभी यूं जाम बदल जाते हैं, पीते पीते कभी कभी यूं जाम बदल जाते हैं, जाम बदल जाते हैं, जाम बदल जाते हैं, अरे काम बदल जाते हैं, लोगों के नाम बदल जाते हैं, लोगों के नाम बदल जाते हैं, पीते पीते कभी कभी यूं जाम बदल जाते हैं। ये परवाना है शमा, महमा है इस रात का, दिल की बातें छेड़ दूं, डर है बस इस बात का, यहाँ से वहाँ तक जाने में, वहाँ से यहाँ तक आने में, लोग ये कहते हैं जी, लोग ये कहते हैं जी, बंद लिफाफे में भी दिल के पैगाम बदल जाते हैं। पीते 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 कभी कभी यूं जाम बदल जाते हैं। नजर को नजर जो आता है, परी पे नजर कहलाता
जाम बदल जाते पीते कभी कभी जाम बदल जाते पीते कभी कभी जाम बदल जाते कभी कभी बदल जाते कभी कभी बदल जाते हमारे जन्मदिन की पार्टी को नष्ट करने वाला ये दुष्ट कौन? मैं वही हूँ जिसे तुमने दोस्त कहा, लेकिन जिसकी पीठ में गद्दारी का खंजर घोंप दिया तुमने। बताओ मेरा रुपया कहाँ है, लूसी किधर है? ये रहा तुम्हारा रुपया और ये रही लूसी, लो। सब लोग अपनी जगह खड़े रहे, कोई नहीं मिलेगा। जन्मदिन की पार्टी में बुलाकर संजय बाबू की दुर्गत किसने बनाई? आज संजय का जन्मदिन था इंस्पेक्टर, इस खुशी में उनको ज्यादा ही पी गए, इसलिए आपस में झड़प हो गई। आप जानते हैं अक्सर ऐसा हो ही जाता है। हो सकता है कुंवर प्रताप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर शर्मा, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस बार को और नवाहें और जितनी जल्द हो सके मेरे बेटे को घर वापस पहुंचा दें। हेलो संजय, इस लूसी दिया चोरी यही है हा? क्या बात है? उस चोरी को छोड़ो वहां और भागो वहां से। दैट बिच, उसने ग्रास्टो के 15 लाख रुपए चुराए हैं। ग्रास्टो ने पुलिस में इत्तला कर दी है, पुलिस किसी वक्त भी वहां पहुंचने वाली है। सुबह सुबह तुम्हारी अकील सच आ गई है। मैं ठीक कह रहा हूँ संजय, फॉर गॉड से गेट आउट ऑफ देयर। ग्रास्टो तुम्हें भी इस मामले में फंसाना चाहता है। आज सुबह जब तुम्हारा टेलीफोन आया तो मुझे अचानक ख्याल आया कि रात को मैंने लूसी के बक्से में 3 रुपए देखे थे, इसीलिए मैं उसे उठाने के लिए गया। मुझे जब तक ख्याल आया तो मैंने देखा सामने वो मरी हुई पड़ी हुई थी, किसी ने नए स्कार्फ से उसका गला घोट दिया था। तुम्हारा स्कार्फ? उसके गले में वो स्कार्फ कहाँ? स्कार्फ मैं वहीं छोड़ा। क्या तुमने क्या की? अब उस स्कार्फ से ये साबित हो जाएगा कि लूसी के कातिल तुम हो, खून का इल्जाम तुम पर लगेगा। तुमने क्या किया संजय? ये तुमने क्या किया? I feel damn nervous about the whole thing. ना वहाँ मैं किसी को पहचानता हूँ, ना मैंने किसी को देखा है, ना किसी से बात। अरे यार तुम अंधे थे, अंधे थे, अंधे थे, कितनी बार तुम्हें समझा चुका हूँ, और फिर तुम्हें वहाँ पहचानने की किसी की जरूरत भी क्या है? लो, अब फिर मैं 20 मिनट बाकी रह गए, बाकी सबक मैं तुम्हें रास्ते में पढ़ा दूंगा। चलो, ऑलराइट, हैव इट, इट विल स्टडी योर नर्व्स, दैट्स ऑलराइट।
अगर तुम्हें जरा भी लाज शर्म होती तो उस कुलटा को जहर देकर मार दिए होते और उस नमक हराम का भी खून पी लिए होते। लोग कहते हैं कि ठाकुर की नवासी घर के नौकर के लिए शुद्ध बुद्ध खोकर पागल हो गई है, घर छोड़कर जंगलों की खाक छानती फिर रही है तुम्हारी लाडली। अच्छा हुआ तुम लौटा है, सारी बस्ती जानती है हमने तुम्हें कभी नौकर नहीं, हमेशा औलाद की तरह समझा, कभी ऊंच नीच का भेद नहीं किया। आज इन्हीं सब लोगों को गवाह मानकर हम कहते हैं, हमारी नवासी तारा ने भगवान को साक्षी बनाकर जो बंधन तुमसे जोड़ा है उसे हम भी स्वीकार करते हैं। कह रहे हो आरती उतारना भूल गए क्या? तुम्हारी अंधेरी जिंदगी में शंकर भगवान ही ने प्रकाश बिखेरा है, दिया उठाओ और श्रद्धांजलि अर्पण करो। आश्चर्य है, डर क्यों गए? नागराज तो तुम्हारे बचपन के साथी हैं। शराब पी रहे थे? भोला तो नहीं पीता था। शहर जाकर लोग बदल जाते हैं, इसलिए मैं भी बदल गया। तभी मंदिर में नागदेव से भी डर गए, मुझे पहचाना। तुम्हारा नाम तारा है? छोटी मलकिन है मेरा नाम, तुम कौन हो? बता। निकालो इसे, सांप! निकालो इसे। नहीं, भेजा इस जहरीले नाक को मेरे सामने से ले जाओ, मुझे सांपों से नफरत है, ये कमबख्त जस लेगा मुझे, ले जाओ। बोले ना, मुझे तो कुछ गड़बड़ ही लगता है।
मिस्टर संजय, इस औरत को जानते हैं आप? आप ही से कह रहा हूं, इस औरत को पहचानते हैं आप? लेकिन दरोगा जी, आप इनको ये छकड़े में ऐसे क्यों सुलाए हो? सदा के लिए सो चुकी है। शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर। दरोगा जी माफ करना, हमने तो आज तक मरा हुआ चूहा भी नहीं देखा है। आप हमको ये अखड़ी हुई लाश दिखाने काहे को ले आए? हमारा तो ये देख के फिर से सर चकराने लगा। बनिए मत मिस्टर संजय। हमारा नाम संजय नहीं है। आप संजय हैं और इस औरत का नाम लूसी है। होगा होगा, लेकिन भगवान के लिए उसका जरा मुंह तो ढाक दीजिए आप। हफ्ते भर तक हमारे गले से तो खाना भी नहीं उतरेगा। ये औरत क्रास्टो के घर से 15 लाख रुपए चुरा कर भागी थी। भागी होगी साहब, भागी होगी, लेकिन मैं तो नहीं भागा। आप भागे नहीं थे, इसे अपनी कार में भगा कर ले गए थे। आप अवश्य कोई सपना देख रहे हैं दरोगा जी। सपना नहीं, हकीकत है। होटल के रजिस्टर में आपके दस्तखत मौजूद है। 704 नंबर के सूट में रहे थे आप? सूट वूट कहाँ दरोगा जी, हम तो गंवार आदमी हैं। जिंदगी भर धोती कुर्ते में रहे, ये तो ऐसे टेम्परवरी पहन रखा। बकता है ये आदमी, झूठ बकता है। रोज मेरे घर आया जाया करता था। दोस्त बनकर मेरी महबूबा लूसी के साथ नाजायज ताल्लुकात पैदा किए इसने। एकदम गलत बात है दरोगा साहब, हम बाल ब्रह्मचारी। जरा उधर देखिए। हाय हाय, आपके बचपन के दोस्त कुंवर प्रताप सिंह, इन्हें तो पहचानते हैं ना? किसके पहचानेंगे साहब, अतल के मामले में फंसने के लिए पहचानेंगे? अब जरा पीछे मुड़कर देखिए कौन है। पहचाना? आपकी बिटिया है। मेरी बेटी नहीं, आपकी मंगेतर है, जिसके साथ बेवफाई की आपने, घिनौना धोखा दिया जैसे आपने। संजय बाबू, कानून को आप धोखा नहीं दे सकेंगे। आपका जुर्म आपके सर चढ़कर बोलेगा और आपकी जबान खुद उसका इतराफ कर लेगी। शुरू हो गया मेरा, बात बात की बातें सुन दे। डॉक्टर साहब, मेरी इस खोपड़ी के अंदर मेरा भेजा पिघल गया। एसपी साहब, मेरे मरीज की दिमागी हालत ठीक नहीं है, मैं आपको और सवाल करने की याद नहीं दे सकता। कत्ल के इल्जाम से बचने का बहाना अच्छा है डॉक्टर साहब। आपको रिहा किया जाता है, यू आर फ्री मैन। आप एक कातिल को रिहा कर रहे हैं इसलिए कि मालदार बाप किसी का सिफारशी खत लेकर आया है? सिफारशी खत नहीं है ये, लूसी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? इसमें लिखा है, लूसी का कत्ल संजय के जन्मदिन की पार्टी से पहले नहीं बल्कि जन्मदिन की पार्टी के बाद रात को 3:30 बजे के दरमियान हुआ, जबकि मेरा बेटा बेहोशी के आलम में अपने घर पर पड़ा हुआ था। डॉक्टर मिश्रा और इंस्पेक्टर शर्मा दोनों इस बात के गवाह हैं। रुपए की तलाश में आया था, लेकिन मेरे आने से पहले को अच्छी तरह तुम्हारे घर को छान कर चला गया। और कौन हो सकता है क्रास्टो? ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मुझ पर शक था और मेरे घर मौजूदगी में आकर तुमने मेरे घर की तलाशी ली, और जब कुछ नहीं मिला तो ये कह रहे हो कि कोई और आकर मेरे घर को अच्छी तरह छान कर चला गया? ताज्जुब है, बिल्कुल वही शक्ल। सेम टू सेम सर, शहरी बाबू का जो फोटो पेपर में देखते ही मैंने सूरज जी को कहा कि सूरज जी ये बहुत भारी लफड़ा है, मगर सर तुम्हारी बाजू लिए फिर रहा हूँ, मेरी दीदी मजाक उड़ा रही है। इंस्पेक्टर शर्मा, इस मामले की तह तक पहुँचना होगा। तुम 3 लाख मांगते थे, मैं करोड़ों का मालिक बनाकर तुम्हें इस घर में ले आया। मौके से फायदा उठाओ, दुनिया ऐश आराम तुम्हारी मुट्ठी में होगा। क्या है ये? जहर। धीरे धीरे असर करेगा,
बस उस अंधे की चाय में एक चुटकी रोज। ना किसी को पता चलेगा, ना किसी को शक होगा। महीने भर में वो अंधा सूखे पत्ते की तरह झुलस कर खत्म हो जाएगा। उसके बाद कैलाश नाथ की तमाम दौलत और संपत्ति के मालिक होंगे तुम और मैं। भोलेनाथ, शायद है गांव में दो कौड़ी के नौकर थे तुम। सारी जिंदगी गुलामी की है तुमने, भूल गए अपनी औकात। उस बच्चे की क्या औकात कुंवर, जो माँ के बतन से ही अंधा पैदा हुआ, जिसे पैदा होते ही जी का जंजाल समझकर माँ बाप आश्रम की चौखट पे फेंक आए। ना मैं किसी की औलाद हूं, ना मेरे कुल का कोई निशान है, लेकिन एक देवता स्वरूप इंसान ने मुझको बेटा कह के पुकारा। शिव जी की सौगंध जिन्होंने नाखों को दृष्टि दी है, मैं उस महापुरुष को धोखा कभी नहीं दूंगा। इधर लाओ चाबियां जो सकल के अंदर ने तुम्हारे हवाले की है। ये रही चाबियां कुंवर, लेकिन भूलना मत भोला तुम्हारे सर पे खड़ा। सोनिया, अपने पुरखों के नाम पे कलंक हो तुम। तुम नहीं जानती हो सोनिया, ये संजय नहीं, एक मकान बहरूपिया है। बहरूपिया नहीं, भोला इसी घर की संतान है। उस अंधे बच्चे को आश्रम की चौखट पर छोड़कर मैं ही आई थी। मौसी, क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ सोनिया, भोलेनाथ और संजय की शक्ल एक दूसरे से इसीलिए इतनी मिलती जुलती है कि ये दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं। कैलाश भैया और स्वर्गीय पुष्पा बहन की औलाद है। ये कोमल स्पर्श किसका था मिश्रा? कौन आया था यहाँ? कोई भी तो नहीं। क्या बात है कैलाश? किसी ने बड़े अपनेपन से मेरे चेहरे को छुआ। ये कुछ भी नहीं, महज वहम है तुम्हारा। तो फिर इस बेचैन आत्मा ने ठंडक से क्यों महसूस की? अगर पुलिस को इस बात की भनक भी पड़ गई कि संजय की शक्ल का एक जुड़वा भाई भी है, तो कत्ल की कुत्ती को तुरंत ही सुलझा लेगी। पुलिस संजय के पीछे पड़ जाएगी, उसे गिरफ्तार करके ही दम लेंगे। रामोसी, अपनी मर्यादा को पाने के लिए मैं भाई के जीवन का बलिदान नहीं दूंगा। राज राज ही रहेगा। भोलेनाथ, जानते हो आज तुम्हारी माँ की बरसी का दिन है। बरसी का दिन? हाँ, आज उसकी ममता भरी आत्मा कितनी व्याकुल होगी। आज के दिन जब मैं अपने पिता के चरण छूऊंगा, तो मुझे पूरा विश्वास है माँ की आत्मा को भी संतोष प्राप्त होगा। पानी तक नहीं दिया, वो आज उसके चरण छू रहे हैं। आज अपनी मां की बरसी के दिन अगर तुम्हारे दिल में इस बदनसीब बाप के लिए दया उजागर हुई है, तो
मैं समझूंगा कि इस दुनिया में उससे ज्यादा खुश नसीब आज कई सालों के बाद किस्मत ने हंस के देखा है मेरी तरफ। संजय, माँ को फूलों का हार पहना कर तुम उससे भी आशीर्वाद ले लो। ये मेरे हाथों में क्या है माँ? मेहंदी है बेटी। आज तेरे मन की साथ पूरी हो रही है तारा। नौबत बज रही है तारा, तेरे मंगेतर के स्वागत के लिए। ये लो बेटा, अपने होने वाली दुल्हन को ये अंगूठी पहना दो। तारा, भोला नहीं, कोई बहरू दिया है ना। तुम्हें जानती मेरे साथ तारा, तू अपने भोला को नहीं पहचानती। वही शक्ल, वही सूरत तुझे याद नहीं? अपनी सुध-बुध वापस ला बेटी, ये भोला है, मेरा बेटा है। खामोश बदतमीज, तेरी हठधर्मी के आगे मैंने अपने सर चुका दिया। कुल की परंपरा दश थी, लोगों का तिरस्कार सहा, और तू भरी बरादरी में मेरे मुंह पे कालक पोतना चाहती है। लेकिन आज ये सगाई हो के रहेगी। भोला, पहनाओ इसे अंगूठी। गलत मौके पे आया, इसकी माफी चाहता हूँ ठाकुर साहब। आपके होने वाले दामाद से पुलिस को सवाल पूछना चाहती है ठाकुर साहब। किस सिलसिले में? कत्ल और चोरी के सिलसिले में। भोलेनाथ के नाम है वारंट। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम संजय माथुर है। इस घर में कब आए और कैसे आए? अपने घर में आदमी कब कैसे आता भाई? रुपए की गड्डी पे से पैर हटाओ। ये चोरी का माल कहाँ लेके जा रहे थे? ए, जवान संभाल। Yeah.
तुम संजय हो ना? हाँ, लेकिन संजय होने का दावा तो अभी तुम कर रहे थे ना? सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें लूसी के कत्ल के इल्जाम से बचाने के लिए संजय बन के बैठा हुआ हूं इस घर के अंदर। कत्ल के इल्जाम से बचाने के लिए नहीं, कत्ल के इल्जाम में फंसाने के लिए कहो। अकल का अंधा मत समझो मुझको भोलेनाथ, अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम्हारी असलियत। मेरी असलियत तुम हो संजय, मेरी असलियत मेरी वो मां है। इस मिलन को सख्त नजर से न देखो भाई, मैं तुम्हारा सदा भाई हूं, मैं तुम्हारा जुड़वा भाई हूं। खबरदार जो मुझे अपना भाई कहा, सारी दुनिया जानती है कैलाशनाथ माथुर का इकलौता बेटा हूं मैं, और तुम्हारे हथकंडों से भी मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं भोलेनाथ। गांव में ठाकुर चंद्रभान सिंह के यहां दो कौड़ी के मामूली नौकर थे तुम, उन्हीं का नमक खाकर तुम पले, और उन्हीं की दौलत को हत्याने के लिए तुमने उनकी खूबसूरत नवासी तारा पे अपने प्यार के डोरे डाले। लेकिन शहर आकर भी तुमने अपनी फितरत नहीं बदली, मुझसे मिलती जुलती शक्ल का फायदा उठाकर तुमने अपनी मक्कारी का यह भयानक चाल बुना। मेरे ही घर में मेरा बहरूप लेकर तुम खुले बंदों घुस आए, और संजय बने बैठे राज कर रहे हो तुम। अच्छी तरह देख लो भोलेनाथ, यही है मेरे पिताजी ने धोखा देकर तुम इस घर में दाखिल हुए। इनके सामने एतराफ करना होगा भोलेनाथ कि तुम एक बहरूपिये हो जो इस घर में चोरी की गरज से आया और चोरी करते हुए पकड़ा गया। क्रास्टो के रुपए चुराने वाला यही बहरूपिया है डैडी, यही है लूसी का कातिल जो कत्ल का इल्जाम मेरे सर पर लगा के इस घर में आ बैठा है। आपकी दौलत पर कब्जा जमाने। मुझे दौलत की परवाह नहीं है, तुम बीच में न बोलो संजय। अपने सवाल का जवाब मैं खुद इस शख्स की जुबान से सुनना चाहता हूं, बताओ जो कुछ मैंने सुना वो सच है? चुप क्यों हो, जवाब दो कमबख्त, क्या यह सच है कि तुम एक बहरूपी हो? जी हाँ, मैं एक बहरूपिया हूं, ये सच है। एक अंधे लाचार को ऐसा भयानक धोखा देकर तुझे क्या? तुम्हारे जुर्म का बोझ और जमीर की फटकार तुम्हें यहां लाई है, और तुम अपनी मर्जी से बयान दे रहे हो, मानते हो? मानता हूं। और ये भी मानते हो कि तुम लूसी को अच्छी तरह जानते थे, तुम्हारा उसके साथ ताल्लुक था? हाँ, था। और ये भी मानते हो कि वो क्रास्टो के घर से तुम्हारे साथ 15 लाख रुपए चुराकर भागी थी? हाँ, मानता हूं इस बात को। और उसी रुपये को हासिल करने के लिए तुमने अपने स्कार से उसका गला घोंट दिया था, उसका कत्ल कर दिया था। इस बयान के बिना पर तुम्हें फांसी की सजा मिल सकती है, इसका इल्म है तुम्हें? अब बरखुरदार एक नजर उधर भी उठा के देख लो। ये हजरत भी अपना नाम संजय बताते हैं, खुद ही थाने आकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस अच्छी तरह जानती है कि तुम में एक संजय है और दूसरे का नाम भोलेनाथ, एक लूसी का असली कातिल है। मैं हूं लूसी का कातिल। आप इस शख्स के बहकावे में बिल्कुल ना आए, ये शख्स मेरे जुर्म का इल्जाम इसलिए अपने सर ले रहा है कि ये मेरा जुड़वा भाई है। जुड़वा भाई? बड़ी कठिन समस्या है एसपी साहब, अब इस गुत्थी को आप कैसे सुलझाएंगे? यहां बड़े बड़े छठे हुए बदमाशों की गुत्थी मिनटों में सुलझा दी जाती है, लेकिन फिर भी हम आपको वो मौला जरूर देंगे जो हर शरीफ आदमी को दी जाती है। 3 घंटे हैं, आपस में सलाह मशवरा करके बतला दो कि मुजरिम कौन है। Thank you.
कल जो जलील हरकत मुझसे हुई है उसके लिए मैं तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। हो सके तो तुम क्षमा कर दो भाई, इस गंवार को तुमने अपना भाई कहा। तुम अनपढ़ हो लेकिन तुम्हारा मन कंचन की तरह पवित्र है। अगर तुम चाहते तो कल पिताजी से कह सकते थे कि तुम उनके बेटे हो, ऐशो इशरत के दरवाजे खुल जाते तुम पर, मगर वो सब ठुकरा के तुम मौत को गले लगाने यहाँ क्यों चले आए? इस बैरागी जीवन का इससे अच्छा अंत और क्या हो सकता है? एसपी साहब, मैं अपने दोनों बेटों को अपनी छाती से लगाने के लिए बेकरार हूं। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे उनसे मिलने की मोहलत दे थोड़ी देर के लिए। आई एम सॉरी मिस्टर कैलाश। ना देखिए देखिए, मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा, जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। आप यकीन मानिए, मेरे दोनों बेटे जो हैं वो अपने बाप के गुनाहों की सजा अपने सर पे ले रहे हैं। वो दोनों निर्दोष हैं, मेरी आत्मा कहती है वो दोनों निर्दोष हैं। मिस्टर कैलाश, कानून आत्मा की आवाज नहीं बल्कि गवाहों का बयान सुनता है। उसे सबूत चाहिए क्योंकि सबूत के बिना पर वो इंसाफ करता है। कोई और भी है इंसाफ करने वाला, खुद जिसकी अपनी हस्ती का कोई सबूत नहीं, उसकी अदालत में मेरा प्रायश्चित स्वीकार हो चुका है। मुझे अपने बेटों से मिलने दें। प्लीज मिस्टर कैलाश, प्लीज देखिए, आप मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। क्या फिर बात? मेरी औलाद को मेरी जरूरत है आज। देखिए, आप खामखा कानून को हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। कानून एक बाप का अधिकार भी मुझसे नहीं छीन सकता। देखिए, आप मेरी बात सुनिए मिस्टर कैलाश। मैं मिलूंगा भोलेनाथ, संजय। ओह माय गॉड, मिस्टर कैलाश, चोट लगी आपको? मैंने लूसी की हत्या नहीं की, लेकिन अपने पिता और सोनिया की हर खुशी हर उम्मीद का खून किया है मैंने। जहर का बीज मैंने बोया, उसका फल भी मुझी को खाना होगा। तुम मेरे इन कर्मों की सजा से मुझको नहीं बचा सकते भाई। हम तुम दोनों जिएंगे भाई, इसलिए कि मन को विश्वास हो गया लूसी की हत्या ना मैंने की है ना तुमने। असली हत्यारा वही चंडाल है जिसने लूसी के बक्स से क्रास्टो के रुपए चुराए और फिर तुम्हारा मफलर लेकर उसका गला घोंट किया, उसे मार डाला। और वो हत्यारा कौन है मैं अच्छी तरह जानता हूं, और शिव जी की सौगंध है मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे ये सलाखें क्यों ना तोड़नी पड़े। आया था? कहाँ? कब जा रहा है? रात की फ्लाइट से जा रहा है। आज का? इतने भी क्या जल्दी है? जाने से पहले दोस्तों का हिसाब तो चुका दो। हटाओ वो रिवॉल्वर बॉबी, मुझे प्लेन पकड़ना है, मैं जल्दी में हूँ। जल्दी तो तुम्हें उस रात भी थी कुंवर। किस रात? जिस रात तुमने लूसी का खून किया था। उस रात पार्टी में आने से पहले मैं संजय और लूसी को अपने होटल में एक दूसरे के साथ छोड़ के आया था। इसीलिए यहाँ पार्टी में संजय के उस हमशक्ल जोकर को देख कर मैं समझ गया था कि तुम कोई भारी चाल खेलने वाले हो। उस रात पार्टी के बाद जब तुम अपना लाल बैग लेकर होटल जाने के लिए निकले तो मैं आंखें बंद किए तुम्हारी ही ताक में बैठा था कुंवर। मैंने तुम्हारा पीछा किया। Ah
बड़ी मुकम्मल थी तुम्हारी चाल कुंवर। ग्रास्टो का रुपया अपने लाल बैग में बटोर कर लूसी के खून का इल्जाम निहायत खूबसूरती के साथ तुमने अपने दोस्त संजय के नाम पर लगा दिया। अगर जान की खैर चाहते हो निकल जाओ यहां से। हमेशा के लिए चला जाऊंगा कुंवर और कभी अपना मुंह भी नहीं खोलूंगा, लेकिन अपनी कीमत लेके। कीमत तुम दोनों को अदा करनी पड़ेगी, अपने गुनाह की, अपने विश्वासघात की। इस अंधे बाप का शाप फांसी का फंदा बनकर तुम दोनों के गले से लिपट जाएगा। प्रताप, कानून के साथ साथ ये बदनसीब बाप भी बेटे की तलाश में भटक रहा था। अंधी आंखें तो उसे न पा सकी, लेकिन आज तुम्हारे घर की चौखट से मुझे अपने बेटे की बेगुनाही का सबूत मिल गया। अंकल कैलाश, मेरी विनती है, इस वक्त आप मेरे रास्ते से हट जाइए। कातिलों के आगे कोई रास्ता नहीं होता कुंवर, सिर्फ कानून की कहानी दीवार होती है। कानून भी आपकी तरह अंधा है अंकल, मुजरिम को सिर्फ सबूत से पहचानता है। हाँ, मैं इकरार करता हूँ कि लूसी का कत्ल मैंने किया है। अपनी गुर्बत से निजात पाने के लिए आपके घर में आपके बेटे की जगह एक बेवकूफ बहरूपियों का मैंने बिठाया था। मुजरिम मैं हूँ, लेकिन मेरे जुर्म का कोई सबूत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे जुर्म का सबूत, जिसने तुम्हारा इकरार खुद अपने कानों से सुना है, और तुम्हारा दोस्त है तुम्हारे जुर्म का चश्मदीद गवाह, जिसका तुम मुंह बंद करना चाहते हो। एक अंधे ने क्या सुना और एक सजा याफ्ता उठाई गिरे ने क्या देखा। कोई अदालत नहीं मानेगी मेरे अपराध के लिए। आपको अपने दोनों बेटों में से एक बेटे की बलि देनी होगी। बलि भगवान के द्वार पर चढ़ाई जाती है कुंवर, तुम जैसे शैतान की चौखट पर नहीं। लेकिन आज का भगवान तो शैतान ही है अंकल। शैतान भगवान है तो वो मेरी मुट्ठी में है। मतलब यह हाथ तुमने मेरे हाथ में देके बड़ी भूल की है कुंवर, मैं अब इस हाथ को नहीं छोड़ूंगा। डोंट बी फनी, मेरा हाथ छोड़ दीजिए अंकल। मैं इस हाथ को किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ो जहाँ। रुक जाओ कुंवर जी, बरसों की तपस्या और बैराग के बाद मुझको मेरा ये भगवान मिला। तुमने मेरे इस भगवान का अपमान किया, तुम्हारे सारे गुनाहों की सजा मैं उस सुपर वाले पर छोड़ता हूं, लेकिन तुम्हारे इस अपराध की सजा मैं तुमको अपने इन हाथों से दूंगा कुंवर जी। Oh.
रंगे हाथों पकड़े गए कुंवर, यही जंजीर अब तुम्हारे गले का फंदा बनेगी। लूसी से चुराए हुए क्रास्टो के 15 लाख रुपए जो अपने लाल थैले में बड़ी एहतियात से बंद करके तुमने इसी स्विमिंग पूल में लटका दिए थे, वो रुपए तालाब के पानी ने उगल दिए। वो देखो अपने जुर्म का जिंदा सबूत। के रुपए जो उस औरत को कत्ल करके तुमने हत्याए और जिसके पाप का कलंक तुमने मेरे भाई के माथे पर लगाया। भाई को तो भाई ने बचा लिया कुंवर, लेकिन तुमको कौन बचाएगा इस बढ़ती हुई आफत से। मैं निर्दोष हूं। निर्दोष कौन है और मुजरिम कौन, इसका फैसला अदालत करेगी कुंवर साहब। फिलहाल आप तीनों को हिरासत में लिया जाता है, प्लीज चलिए। लेनी परीक्षा छोटी बल्कि देखो हम तो नहीं डरे। हे महाराज, तुम भी आजकल बहुत आवारा गर्दी शुरू कर दियो है। चलो जाओ मंदिर। छोटी मलकिन, तुमको पता तो होगा घर में माँ की तबीयत कितनी नासाज है, और तुम्हारी यही चंचलता के कारण लोग बक रहे हैं गांव में आना अपसना बकते जा रहे हैं, और तुम घर से कोसों दूर यहाँ जंगल में मजे से कर रही हो सैर सपाटा। इस तरह त्यूरी चढ़ा के देखने से भोलेनाथ का मुंह बंद नहीं होएगा छोटी मलकिन, हम तो बोले जाएंगे बराबर। ये लक्षण तुमको शोभा नहीं देते हैं, चलो सीधी तरह घर। तुमको बांध के रखने के लिए हम खूंटा भी लेके आए हैं, दिखाते हैं। स्वीकार कर लो बेटी। साक्षात देवता खड़े हैं तुम्हारे सामने छोटी मलकिन, यही है मेरे पिता। हाँ बेटी, भगवान ने इस बदनसीब अंधे पर रहम खा के इसे अपनी खोई हुई औलाद अपने बेटे से मिला दिया। बेटी तुम भी ये कंगन स्वीकार करके उसकी अंधेरी जिंदगी को रोशनी से भर दो। Thank you.